74वां जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने ध्वजारोहण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य युद्ध स्मारक धर्मशाला में वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की और अमर जवान ज्योति को भी प्रज्वलित किया। जिला प्रशासन की ओर से इस पर COVID-19 के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए गए थे और कार्यक्रम में विशेष तौर से सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा गया। इस दौरान लोक संपर्क विभाग के कलाकारों एवं तिब्बती समुदाय के टिप्पा के कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। COVID-19 को लेकर इस बार लोक संपर्क विभाग के कलाकारों ने विशेष जागरूकता को लेकर भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में प्रदेश के तमाम प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर सपूतों को भी याद किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को समुचित विकास करने पर बल दे रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोरोना बैरियर्स को भी सम्मानित किया गया, जिसमें COVID-19 के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए पुलिस विभाग के DSP बलदेव दत्त, DSP तिलकराज, DSP रणधीर सिंह, ASI नजर सिंह, ASI केवल खान, ASI दुनीचंद, हेड कांस्टेबल करमचंद को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर अंशुल कुमार, डॉक्टर नरेंद्र त्रिपुड़े, डॉक्टर ASC जरियाल, डॉक्टर अनुराधा, डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर शेफाली, लैब सहायक सुमित कुमार, लैब सहायक अदिति शर्मा, एम्बुलेंस चालक अनुज दीक्षित, EMT एम्बुलेंस चालक राजेश को सम्मानित किया जाएगा, जबकि नगर निगम के वर्कर सुपरवाइजर अशोक शर्मा, वर्क सुपरवाइजर गोपाल दास, चालक विनोद, चालक मनजीत सिंह, इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्था मणि महेश लंगर सेवा दल ज्वाली, शशिपाल राणा, महाकार डॉक्टर गौरव शर्मा, सिविल अस्पताल देहरा राजेश शर्मा सहित क्षेत्र सचिव राधा स्वामी सत्संग प्रौर कांगड़ा सिविल सोसाइटी कांगड़ा को सम्मानित किया गया। आज जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस यहां धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में हुआ और सरकार की ओर से मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। तो एक तो मैं स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 1947 और उससे पहले और 2020 के बीच में इस देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, उनके चरणों में नमन करता हूँ, उनको मैं आज याद करता हूँ। 62, 65, 71 कारगिल के ऑपरेशन के समय जो शहीद हुए, जो घायल हुए, उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं कि मातृभूमि देश के लिए हम कुछ और भी दें। इसी विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और ये विचार पूरे देश में राष्ट्रीयता के रूप में देश के लोगों में पैदा हो, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। और ये भाव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 6 साल के कार्यकाल के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के आधार पर पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व एक परिवार की भांति है और उस परिवार की भांति मुखिया के रूप में श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी साहब काम कर रहे हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छी बात है। मैंने मन से भी जिलाधीश महोदय को, पुलिस अधीक्षक, CMO और उनकी तमाम टीम को, चाहे वो पुलिस कर्मी हैं, चाहे सफाई कर्मी हैं, चाहे डॉक्टर साहिबान हैं, चाहे मेरा पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी हैं, उन योद्धाओं ने मार्च से लेकर के आज की तारीख तक अपनी जिम्मेवारियों को संभाला है। सही मायने में अगर उनको सम्मानित किया गया तो ये श्रेष्ठ काम है। वैसे हमने भी मार्च अप्रैल के महीने में पत्रकारों को भी सम्मानित किया है, क्योंकि आप बंधु भी कोरोना के समय परिस्थितियों को जग जाहिर जनता तक पहुंचाने के लिए आपने भी अद्वितीय भूमिका निभाई है। तो यही कहना चाहता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
कोरोना थमा नहीं है, मास्क लगाएं, गमछा लपेटें, घर के अंदर रहें, सैनिटाइज करें, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। सर एक सवाल